गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दैट्स द नाइन्थ क्लास लर्निंग वीडियो। हम लोग चैप्टर सिक्स स्टार्ट किए हुए हैं और हमें स्टार्ट किए हुए लगभग तीन से चार वीडियो हो गई हैं। हमने आपको एक रिक्वेस्ट भी करी थी कि आप लोग अपडेट हो जाइए, जिससे हम लोग चैप्टर सिक्स को आगे बढ़ा सकें। अभी हमने पिछली बार कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करे थे, जिससे हमारा इस चैप्टर में माइंड ओपन हो जाए और हमें पता चले कि इस चैप्टर में हमें वास्तव में करना क्या है। ठीक है, तो आज भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए हैं, जिससे हम इन 6 क्वेश्चंस को करके एक बार और अच्छे से चैप्टर में इंटरेस्ट बढ़ाएंगे और फिर जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आइए एक एक करके इन क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, जिससे थोड़ी सी जगह बन जाएगी। ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है। देखिए, एरो का साइन लगा हुआ है और ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है। कह रहा है एक्स का आंसर निकालना है। देखिए, ये दोनों एंगल क्रॉस में बने हुए हैं, ठीक है, ये दोनों भी क्रॉस में बने हुए हैं, लेकिन ये दोनों लाइनों के अंदर हैं, इंटीरियर हैं, तो क्रॉस में एंगल इंटीरियर हैं, तो इनका नाम हुआ अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्रॉस में बने हुए हैं, लेकिन लाइनों के बाहर बने हुए हैं। ये इस लाइन से बाहर है, ये इस लाइन से बाहर है, तो इसका नाम हुआ अल्टरनेट एक्सटीरियर। राइट, तो सबसे पहले जल्दी से लिखेंगे, सिंस ए बी लाइन CD के पैरेलल है दिस क्वेश्चन, एंड देखिए इसको कौन सी लाइन काट पर जा रही है, EF, EF इज द ट्रांसवर्सल। AB लाइन CD के पैरेलल है और EF ट्रांसवर्सल है, इसलिए इन दोनों एंगल्स को हमेशा इक्वल रखेंगे। अब इस एंगल का नंबर 1 डाल देते हैं और इसका नंबर 2 डाल देते हैं। ठीक है, इसका नंबर डाल देते हैं 1 और 2। सो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। ब्रैकेट में रीजन आएगा, अल्टरनेट क्या लिखूं, एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, जैसे क्रॉस में अंदर बनते हैं, लाइनों के बीच में बनते हैं, उनको इंटीरियर, और जो बाहर बनते हैं क्रॉस में, उनको अल्टरनेट एक्सटीरियर। चलिए एंगल 1 का आंसर पुट करते हैं, 3x - 20, और इसका आंसर हो गया 2x, कितना लिखा है, +10। x वाले टर्म को वन साइड ले लेते हैं और बिना x वाले टर्म को वन साइड ले लेते हैं, x का आंसर 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए आपको मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूं कि आपका आंसर गलत है या सही है। देखिए जरा इस x के आंसर को यहां पुट करते हैं, 33 जा 90, 90 में से 20 किया 70, 32 जा 60, 60 में 10 प्लस किया 70। बताइए दोनों एंगल 70 70 है कि नहीं है, यानी कि हमने जो प्रॉपर्टी लगाई थी अल्टरनेट एक्सटीरियर, यानी कि ये दोनों एंगल ऑटोमेटिकली आपस में क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, इसलिए मैंने इन दोनों एंगल्स को इक्वल रखकर एक्स का आंसर निकाल दिया। तो प्रॉपर तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल काम करना है, पैरेलल लाइंस का नाम लिखना है, ट्रांसवर्सल का नाम लिखना है, कौन से दो एंगल इक्वल है वो लिखना है, उनका ब्रैकेट में रीजन बताना है, एक ही लाइन के अंदर देखिए सब काम कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और आगे चलते हैं। अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत आएगी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अब की बार चलिए इसी क्वेश्चन को करते हैं, फिर इस जगह को मिटा देंगे। कह रहा है ये ए बी लाइन इस सी डी के पैरेलल है, एरो भी लगे हुए हैं और दिया भी हुआ है। कह रहा है प्रूफ करके दिखाइए, पी प्लस क्यू माइनस आर इक्वल 180, पी प्लस क्यू माइनस आर इक्वल्स 180 डिग्री। ठीक है, अगर थोड़ा सा आप माइंड मेकअप करें तो इस क्वेश्चन को मैं अब तक सारी वीडियोस में करा चुका हूं। ठीक, देखिए कैसे यहां पर नाम आ गए अल्फाबेटिकल और वहां चल रहे थे एंगल्स। क्या करेंगे, ये जो ए बी और सी डी लाइन है ना, इस एफ पॉइंट से यहां हम एक पैरेलल लाइन बनाएंगे। ये देखिए मैंने एक पैरेलल लाइन बनाई, इसका कोई भी नाम लिख दिया, सपोज करो MN लिख दिया, MN। इस MN की क्या खास बात है, ये AB के पैरेलल है और CD के भी पैरेलल है, तो क्या लिखूंगा, थ्रू F ड्रॉ ए लाइन। क्या नाम है इस लाइन का, AF, थ्रू AF ड्रॉ ए लाइन MN पैरेलल टू AB एंड CD। ठीक है, तो ऊपर वाले का नंबर डाल देते हैं 1 और नीचे वाले का नंबर डाल देते हैं 2। ये देखिए, ये अभी तक पूरा कंप्लीट एंगल था, जब आपने यहां पर लाइन ड्रॉ करी तो ये ऊपर नीचे कट गया और ऊपर 1 आ गया, नीचे 2 आ गया, नंबर डाल दिया आपने इनके 1 और 2। अब जरा बताइए, पहले एक एक करके करेंगे, पहले MN को AB के पैरेलल लेंगे, फिर MN को CD के पैरेलल लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं AB
पैरेलल सीडी। देखिए इन दोनों लाइनों को ये लाइन काट कर जा रही है एंड ईएफ इज द ट्रांसवर्सल। ठीक, तो बताइए कुछ दिमाग लगाइए और सोचकर बताइए इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। अगर ये दोनों पैरेलल लाइनों में सेम साइड में बने हैं, सेम साइड में, ठीक है, तो इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। अब ये सारी बहुत अच्छे से पहचान होनी चाहिए फिगर में किसकी क्या पोजीशन है, तो इन दोनों का नाम हुआ को इंटीरियर। तो क्या लिखूं, देयरफॉर एंगल पी प्लस एंगल वन इक्वल्स 180 ब्रैकेट में को इंटीरियर एंगल्स और इक्वेशन का नंबर क्या डाल दिया 1। ठीक है, जैसे मैंने ए बी को सी डी के पैरेलल लिया, सॉरी एम एन के पैरेलल लिया, अब सी डी को एम एन के पैरेलल लिखते हैं। नाउ एम एन पैरेलल सी डी और इनको कौन सी लाइन काट के जा रही है एंड एफ जी इज द, ऐसे लाइन खींच के बीच में से काट दीजिए, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। बताइए अब ये दो लाइनें पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, बताइए ये दोनों एंगल क्रॉस नहीं बने, यहां ये दोनों क्रॉस में नहीं थे, अगर क्रॉस में होते तो ऑल्टरनेट होते, सेम साइड में पैरेलल लाइनों के बीच में, तो इनका नाम है कोइंटीरियर और कोइंटीरियर का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को देखिए, ये एंगल क्रॉस में बने हुए हैं, क्रॉस में, तो क्रॉस में हमेशा एंगल इक्वल होते हैं, तो बताइए एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल होगा। क्या रीजन आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये कौन सी इक्वेशन हो गई सेकेंड। बताइए ये आप ही क्वेश्चन कर चुके हैं लेकिन अब हम अल्फाबेट में इसको प्रूव कर रहे हैं, कई स्कूलों ने इस क्वेश्चन को अपने पेपर में दिया और स्कूलों में एनुअल एग्जाम में भी ये कोई क्वेश्चन आया, जिन बच्चों ने दिमाग लगाया उनसे हो गया और जो थोड़ा सा नहीं दिमाग लगा पाए बस वो क्वेश्चन को उठपटांग कर छोड़कर आ गए। तो इन दोनों का सम 180, ये दोनों ऑल्टरनेट। तो चलिए अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं, इक्वेशन 1 and 2। अब देखिए कैसे ऐड किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो क्या लिखा हुआ है, पी प्लस एंगल 1, इसके नीचे है प्लस एंगल 2 और बीच में किसका साइन है इक्वल का, उधर की तरफ क्या लिखा है 180 और प्लस क्या लिखूंगा एंगल आर। देखिए सोचकर लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड प्लस कर दी और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। ठीक है, अब जरा डायग्राम को देखिए और बताइए 1 और 2 को मिलाकर पूरा कंप्लीट एंगल कौन सा बन रहा है, क्यों, क्योंकि आपने दो टुकड़े कर दिए थे 1 और 2, तो क्या मैं 1 और 2 की जगह क्या लिख सकता हूं, एंगल क्यों और इक्वल्स 180 माइनस प्लस एंगल आर। ठीक है, तो 1 और 2 की जगह जोड़कर कौन सा एंगल आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि क्यों के दो टुकड़े हैं, दो पार्ट है 1 और 2। ठीक, तो चलिए अब मुझे आंसर प्रूफ करना है, तो आंसर में क्या लिखूं, पी प्लस क्यू, इस आर को लेफ्ट साइड में ले आइए, तो ये राइट साइड से जब लेफ्ट साइड में आएगा तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा और इक्वल्स क्या 180। जरा चेक करिए, पी प्लस क्यू माइनस आर इक्वल्स 180, पी प्लस क्यू माइनस आर इक्वल्स 180, प्रूव्ड, हमारा आंसर प्रूव्ड। ठीक है, कोई बात दिक्कत हो दोबारा से वीडियो देखिए, समझ में ज्यादा ना आता हो कम आता हो तो पहले आधा काम करिए फिर आधी वीडियो देखिए। ठीक है, लेकिन काम को अच्छे से कंप्लीट करिए, वीडियो को बार बार देखिए, पूरा देखिए, यही एक समाधान है, अच्छे से इंटरेस्ट लीजिए तभी आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, एक और हमने कंप्लीट कर दिया, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, तो ये वाली जगह थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए खूब बढ़िया क्वेश्चन था ये, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, खूब इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन अल्फाबेटिकल तो नहीं, न्यूमेरिकली आपकी बुक में है, एग्जांपल में है। अब जरा पहले स्टडी कर लेते हैं कौन कौन सी लाइन पैरेलल है, सीडी लाइन, सॉरी सीएच लाइन, ईएफ के पैरेलल है, यानी कि पूरी पूरी ये दो लाइन पैरेलल है, कह रहा है कि एक्स का आंसर निकालो। सोच के देखो कैसे करेंगे इसको, अगर मैं इसका नंबर 1 और इस एंगल का नंबर 2 डाल दूं तो ये दोनों एंगल बताइए में क्या रिलेशन होगा, जब किसी स्ट्रेट लाइन पर एक ही पॉइंट पर दो एंगल बनते हैं तो उन दोनों एंगल्स को लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो बताइए लीनियर पेयर का सम क्या होगा, 180। तो डायरेक्ट मैं फिगर के अंदर लिख रहा हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स 180
और ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर। एंगल 1 की जगह 150 प्लस एंगल 2 इक्वल 180, 150 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, बताइए कितने डिग्री बचेगा, 30 डिग्री। ये देखिए उधर जाकर माइनस हो गया, 30 डिग्री बच गया। अब एंगल 2 का आंसर 30 डिग्री आ गया, एंगल ए पता है। अब मैं इस एंगल को फाइंड कर रहा हूं और इसका नंबर डाल देता हूं मैं 3। बताइए एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा कितने डिग्री होता है, 180। तो मैं इन तीनों को प्लस करके एंगल 3 निकाल रहा हूं, राइट, क्योंकि मुझे निकालना है एक्स। और देखिए एक्स का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, 3। और जब तक आपको 3 नहीं पता होगा आप एक्स नहीं फाइंड कर सकते। रास्ते और भी बहुत सारे हैं लेकिन जो जल्दी से माइंड में आ जाए बस वही अच्छा आपके लिए सबसे बढ़िया सोल्यूशन है। तो क्या करें, ये दो लाइनें पैरेलल है, कैसे देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, जहां ये एंगल है ना उसके साथ एक छोड़ दो और अगले पर आ जाओ, ये देखो दोनों के दोनों का नाम हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो क्या करें, इन तीनों का सम 180 करके पहले 3 निकालते हैं। तो ट्राइंगल का नाम है ए बी जी, तो मैं यहां ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल ए बी जी। कौन कौन से एंगल है, एक 2 है, एक 3 है और ए का नाम ए है। तीनों का सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। रीजन जरूर बताना है, ट्राइंगल का नाम जरूर बताना है, ओनली फॉर्मेलिटी करके ज्योमेट्री नहीं करनी है। 2 की वैल्यू बताइए कितने डिग्री हो गई, 30 डिग्री। एंगल 3 का आंसर मालूम नहीं है और ए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60 प्लस एंगल 3 इक्वल्स 180 डिग्री। अभी 60 को इधर आकर माइनस कर दीजिए तो एंगल 3 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 120 डिग्री, राइट। चलिए अब समय आ गया पैरेलल लाइन यूज करने का। क्या लिखूं, सिंस सीएच लाइन पैरेलल है EF के, ये देखिए दोनों लाइनें पैरेलल है, ये देखिए। और क्या नाम है ट्रांसवर्सल का, GD, एंड GD इज द ट्रांसवर्सल। अगर GD ट्रांसवर्सल है तो बताइए 3 का कॉरस्पॉन्डिंग, देखिए 3 एक छोड़कर अगला, तो क्या लिखूं ऐसे, सो एंगल 3 इक्वल्स एंगल x, दोनों का आंसर इक्वल होगा। 3 की वैल्यू 120 है तो x भी कितना होगा, 120। ब्रैकेट में इसका रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखा आपने, पैरेलल लाइन का नाम आया, ट्रांसवर्सल का नाम आया, कौन से दो एंगल इक्वल है उनका नाम आया, वैल्यू कौन सी इक्वल है वो आया, ब्रैकेट में उसका रीजन आया। एक ही छोटी सी लाइन में आपने चार चार पांच पांच चीजों को अच्छे से बता दिया, यह है तरीका। तो एक्स का आंसर हमारा फाइनल हो गया 120 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया, और आगे चलते हैं। अब हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया, अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा दिमाग लगाते हैं क्वेश्चन कैसे होगा, पहले स्टडी कर लेते हैं कौन सी लाइन पैरेलल है। ये ए बी लाइन इस सी डी के पैरेलल है, आपको एक्स का आंसर निकालना है। अब ये समझ लेना कि ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होंगे ना, कोई ट्रांसवर्सल इसमें नहीं दिया हुआ है, ट्रांसवर्सल नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं आप इसका कॉरस्पॉन्डिंग देख सकते। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कुछ याद रखेंगे, और क्या याद रखेंगे कि इस लाइन को थोड़ा सा आगे तक प्रोड्यूस कर देंगे ऐसे, और इस पॉइंट का कोई नाम डाल देंगे क्या, एम। कौन सी लाइन प्रोड्यूस करे, डी सी। क्या लिखूं, प्रोड्यूस डी सी अप टू एम। आपने डीसी को कौन से पॉइंट तक प्रोड्यूस किया, एम तक। ठीक है, अब जरा सोचकर देखिए, जब ये ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली ए बी लाइन डी एम के भी क्या होगी, पैरेलल होगी, राइट। अगर ये पैरेलल होगी तो बोलिए अगर ये एक्स है, अब बताइए इस एंगल का नंबर क्या डाल दिया मैंने, 1। बताइए इन दोनों में क्या रिलेशन नजर आ रहा है, सोचिए जल्दी से। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये एंगल एक छोड़कर अगला, क्या नाम हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या लिखूं, मैं लिख रहा हूं x एंगल 1 के इक्वल होगा, ये देखो x इक्वल होगा एंगल 1 के। अब बताइए अगर x एंगल 1 के इक्वल होगा तो, और तो क्या लिखूं ब्रैकेट में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो x की वैल्यू कुछ मिसिंग आ रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, अगर जल्दी से नजर आ जाए।
दैट्स 130, ये गलत हो गया, x यहां लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 105, ये लिखिए, ये 105 दिया हुआ है और यहां x लिखा हुआ है, ठीक है, तो 105 ये x और ये 1, तो सब कुछ ऐसे करना है, बस यहां लिख देना है एंगल a एंगल 1 के इक्वल होगा और दोनों का आंसर 105 डिग्री होगा, ब्रैकेट में रीजन आएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये देखिए, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक, मैं पैरेलल लाइनों के नाम तो लिखना भूल ही गया, क्या लिखूं, ए बी पैरेलल टू एम डी एंड ए एम इज द ट्रांसवर्सल, ये देखिए ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ए पॉइंट से एक छोड़कर अगला, इन दोनों का नाम होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब आपके पास एंगल वन आ गया, ठीक है, देखिए इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल जिसमें वन और एक्स बने हुए हैं, ये तीसरा एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है जो लाइन को प्रोड्यूस करने पर बाहर बन रहा है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी पहली वीडियो में भी कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपने दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, ये ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन अपोजिट है, जो एंगल एक्सटीरियर होता है ना उसके साथ वाला लीनियर पेयर होता है, उसको छोड़ दो और बाकी के जो दो एंगल बचे उनको बोलते हैं, उनके बोलते हैं इसके लिए इंटीरियर अपोजिट एंगल। अच्छा आपकी मर्जी है, आप लीनियर पेयर से ये वाला निकाल के तीनों का सम 180 कर दो, फिर आप निकाल चुके एक्स का आंसर आ जाएगा, ठीक है, और आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ट्राइंगल का नाम लिखेंगे इन ट्राइंगल सीएमई, इन ट्राइंगल सीएमई ऐसे लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल, क्या नाम है इस एक्सटीरियर एंगल का, डीसीई, डीसीई एक्सटीरियर एंगल अपने दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, कौन कौन से, एक वन और दूसरा एक्स, ब्रैकेट में आएगा एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बताइए डीसीई का आंसर क्या है, 130, एंगल 1 का आंसर आपने क्या निकाला, 105, हम बताइए कैसे आंसर निकाला जाए, बताइए इस 105 को इधर अगर माइनस कर दीजिए तो ये बच गया 25, एक्स की वैल्यू 25 डिग्री आ, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, चले आगे, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, अब आपका आइए इस पर आते हैं, तो ध्यान से इसकी फिगर को देखिए, यहां कर देते हैं इस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा, इसको ध्यान से देखते हैं, एल लाइन एम के पैरेलल है, एरो लगे हुए ना, तो इसका मतलब ये जानते हैं पैरेलल है, आपको एक्स वाई जेड का आंसर निकालना है, ठीक, चलिए दिमाग लगाइए, अगर ये दो लाइनें पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो बताइए 120 और जेड में क्या रिलेशन होगा, 120 और जेड में, बस खाली जेड और 120 को देखिए ऐसे, ये देखिए ये फिगर और ये बस ऐसे, इन दोनों एंगल को ध्यान से देखिए, सेम साइड में बने हुए हैं, अगर सेम साइड में बने हुए हैं तो इनको बोलेंगे को इंटीरियर एंगल्स, तो क्या लिखूं, लाइन एल पैरेलल टू एम एंड बताइए इस ट्रांसवर्सल का नाम क्या हुआ, इसका कोई नाम लिख देते हैं सी लिख देते हैं, चलो एंड एसी इज द ट्रांसवर्सल, सो कौन सा एंगल बताइए, एंगल ए प्लस एंगल, एंगल कौन सा जेड, दोनों का सम 180, ब्रैकेट में को इंटीरियर एंगल्स, ए की वैल्यू कितनी है 120 प्लस जेड 180, बताओ भाई जेड का क्या आंसर आ गया 60, एक आंसर निकाल दिया, ठीक, अब यही बात इस साइड देखो, इस साइड ये दोनों भी को इंटीरियर है, क्यों है, क्योंकि पैरेलल लाइनों के बीच में बने हुए हैं, और अब की बार ट्रांसवर्सल का नाम क्या है, अच्छा यहाँ पर सी पॉइंट आ गया, तो इसको हम बी लिख देते हैं, तो यहां पर ट्रांसवर्सल का नाम है बी सी, तो क्या लिखूं फिर से, एल पैरेलल एम एंड बी सी इज द, बोलो क्या, ट्रांसवर्सल, सो कौन कौन से एंगल, एंगल बी और एक्स, इन दोनों का सम क्या होगा 180, एंगल बी और एक्स, इसका रीजन भी क्या आएगा, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऐसे मत देखा ना इस तरह से कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ये तो y हमें मालूम नहीं है, z पर ये को इंटीरियर है, इधर x और 100 को इंटीरियर है, अब बताइए
एंगल बी की जब वैल्यू पुट करेंगे कितना 100 डिग्री और प्लस एक्स इक्वल्स 180, तो बताइए एक्स का आंसर कितना हो गया, 180 में से 100 माइनस हो जाएगा, 80 बच जाएगा। अब आपके पास एक्स भी आ गया और जेड भी आ गया। अब ये तीनों के तीनों एंगल एक ही पॉइंट पर बने हुए स्ट्रेट लाइन पर, तो बताइए इन तीनों का सम क्या होगा, 180। क्या लिखूं नाउ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 180। अगर ये दो एंगल होते हैं उनको लीनियर पे कहते हैं, ये तीन एंगल हैं, तो क्या लिखूंगा, जब भी एक ही पॉइंट पर एक ही स्ट्रेट लाइन पर तीन एंगल्स आए, सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन, समझने की जरूरत है, सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में किसी भी पॉइंट पर जितने भी एंगल बनेंगे उन सबका सम हमेशा क्या होगा, 180 होगा। अब आप क्या करेंगे, x की जगह 80 पुट कर दीजिए और y की जगह बताइए मालूम नहीं है, और z की जगह आप क्या पुट करेंगे, 60, और इन दोनों का सम 180, 60 प्लस 80 हो गया 140 प्लस y इक्वल 180, और इस 140 को उधर जाकर माइनस कर दीजिए, आपका आंसर 40 डिग्री आ गया। तो x 80, y 40 और z 60, इन तीनों को आपने सम करके देख लीजिए, इन तीनों का सम एक ही पॉइंट पर 180 डिग्री आएगा। देखो 60 प्लस 80 140 प्लस 40 180, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारा एक क्वेश्चन रह गया, इसको कंप्लीट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले स्टडी कर लेते हैं क्वेश्चन को, ये ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, एरो भी लगे हुए हैं, और मुझे ये 75 दिया हुआ है, ये 20, ये x, ये 25, ये y, और मुझे x का आंसर निकालना है। तो जरा दिमाग लगाते हैं कि x का आंसर कैसे निकालेंगे। अब ये दो लाइनें पैरेलल है, ये देखिए ये दो लाइनें पैरेलल है, देखो ध्यान से, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, तो हमारे पास फटाफट y का आंसर आने वाला है। ये देखो मैं आपके सामने दोबारा से फिगर बना देता हूं, a ये देखिए, ये तो 75 बना हुआ है, और ये पूरा एंगल मिलाकर कितना है, ये पूरा मिलाकर इस एंगल के इक्वल है। तो क्या लिखूं, AB parallel CD and EF is the transversal, so कौन सा एंगल, EGB, बताइए किसके इक्वल होगा, GHD, क्यों होगा, ब्रैकेट में आएगा इसका रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या कोई बात नहीं, चलते नहीं, AB लाइन CD के पैरेलल है, ये देखिए इस पॉइंट का इसने कोई नाम नहीं दिया हुआ, नाम तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, और ठीक है कुछ भी लिख दीजिए, जी एम एम लिख दीजिए। चलिए बताइए ये एंगल ई जी बी और कॉरस्पॉन्डिंग होगा किसके, जी एच डी। तो बताइए ई जी बी की वैल्यू कितनी है, 75 डिग्री, और जी एच डी का आंसर है मिलाकर 25 प्लस वाई, देखिए अब ये 75 में से 25 इधर आकर माइनस हो जाएगा, और हमारे पास वाई का आंसर आ गया 7 में से 2/5, वाई की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल ठीक आ रही है 50 डिग्री, ये देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 50 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस M पॉइंट पर AB और CD के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे, ठीक। अभी वही क्वेश्चन हो गया जैसे हम लोग अभी मैंने आज सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ वो P प्लस के R माइनस R इक्वल 180 वाला किया था, क्या करेंगे यहाँ पर एक ऐसे पैरेलल लाइन बनाएंगे, कोई भी नाम लिख देंगे इस पैरेलल लाइन का, चलो PQ लिख देंगे, PQ क्या लिखेंगे, कौन से पॉइंट पर लाइन बनाई, M पर, तो क्या लिखेंगे, थ्रू M ड्रॉ ए लाइन PQ पैरेलल टू AB एंड CD। आप सोच रहे होंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पैरेलल लाइन बनाएंगे, यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ प्रोड्यूस करेंगे, सब प्रैक्टिस से पता चलेगा, सब प्रैक्टिस से, ठीक है। तो जब आप एक ही शहर में बार बार सब जगह जाते हैं ना, शिव चौक कहाँ है, हनुमान चौक कहाँ है, बालाजी चौक कहाँ है, नई मंडी कहाँ है, गांधी कॉलोनी कहाँ है, सब आप सब घूम लेते हैं, आपको सब अच्छे से याद हो जाता है। ऐसे ही जब आप पूरे चक्कर की क्वेश्चन की वैरायटी को बार बार अच्छे से करेंगे तो आपके दिमाग में तभी आएगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है,
आपको रट ले, रटने से काम नहीं चलेगा, माइंड अपने आप सेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो चैप्टर सिक्स में आपको बहुत काम आएंगे। तो चलिए ये देखिए, ये लाइन, ये देखिए एबी के भी पैरेलल है और सीडी के भी पैरेलल है। तो इसका नंबर मैंने ऊपर 1 डाल दिया और इसका नंबर मैंने 2 डाल दिया, ठीक। तो चलिए पहले एबी और पीक्यू को पैरेलल लेते हैं। एबी पैरेलल पीक्यू, एंड बताइए इन दोनों पैरेलल लाइन को कौन सी लाइन काट रही है? जीएम इज द, बोलो क्या? ट्रांसवर्सल। तो बताइए ये एंगल 1 और ये 20 डिग्री एंगल, ये जो ऊपर बना हुआ है एंगल 1, बताइए किसके इक्वल होगा? 20 के इक्वल होगा। क्यों होगा? ब्रैकेट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब नीचे वाली लाइन को पैरेलल लेते हैं, CD पैरेलल PQ। अब की बार ट्रांसवर्सल का नाम क्या है? ये रहा, एंड HM इज द ट्रांसवर्सल। बताइए कौन से दो एंगल, ये देखो पैरेलल लाइनों के बीच में कौन से दो एंगल क्रॉस में बने हुए हैं? 2 और Y। तो बताइए एंगल 2 किसके इक्वल होगा? y के। और एंगल 2 का y का आंसर आपको ऊपर क्या निकाला? 50 डिग्री। क्या लिखूं ब्रैकेट में? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बताइए x निकालने के लिए क्या करें? एंगल 1 और 2 को प्लस कर देंगे। ये देखिए ये पूरा x 1 और 2 से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो एंगल 1 की वैल्यू है 20 डिग्री और 2 का आंसर 50 डिग्री। बोलिए हमारा आंसर क्या आ गया? 70 डिग्री। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हमारा, x का आंसर आ रहा है 70 डिग्री, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है 70। कुछ और क्वेश्चंस हमने आपके माइंड मेकअप करने के लिए किए, अब आप इनका रिवीजन करिए और अच्छे से रिवीजन करके जब आपको लगे कि ये 3-4 वीडियो का काम हमने पक्का कर लिया है, तब नेक्स्ट डे हम आपको अब 6.1 पर लेकर चलेंगे, ठीक है। 6.1 के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें, अब आपको मजा आएगा क्योंकि आपको माइंड ओपन हो गया कि आपको चैप्टर के अंदर करना क्या है, राइट। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। जिसका अभी पीछे का काम छूटा हुआ है थोड़ा जल्दी जल्दी अपडेट हो जाइए, क्योंकि ज्योमेट्री साथ साथ पढ़ने से ही मजा आता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू।